साथ मेरी नितेश आनंद आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष जी, जो कि एक बहुत छुपे कलाकार हैं। आज इन्होंने अपने हाथों से, अपने कलम से एक कविता लिखी है और उस कविता को आज हम सुनेंगे तत्काल प्रभाव से, और वो होली के अवसर पर है। फाग लगे हैं हृदय में, परिमल है ललचाए, प्याला देकर हाथों में, प्याला देकर हाथों में होठों की महक चुराए, अरमानों की बेला में मलय महावर रंग भरे, हर्ष उदार अधरों पर ललाट लकीरों में बहके, अस्पंदित तन मन प्रियवर आलिंगन को मधुकर मैं तेरे उपवन के, हृदय खोल छुप जाऊं सुमन में, फाग लगे हैं हृदय में, परिमल है ललचाए, परिमल है ललचाए। धन्यवाद। क्या कविता थी। इस कविता के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना क्या चाहते थे। तो आशु जी बताइए, इस पंक्ति में आप अपनी कौन सी बात को रखना चाह रहे थे? मतलब होली के मौके पर हर लोग खुशी से आनंदित होना चाहते हैं। हाँ। चाहे दुख में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे कुछ भी हो, सब आपस में मिलजुल कर शांति सद्भाव के साथ होली को मनाते हैं। अब जैसे फाग लगे हैं हृदय में, परिमल है ललचाए, फाग लगे हैं हृदय में, परिमल है ललचाए, क्या शब्द है? हृदय तरंगित है, मतलब परिमल महक रहा है एक तरह से। हृदय लालच में पड़ गया है, जो मैं भी होली खेलूं। होली तो प्याला देकर हाथों में, वाह, होठों की महक चुराए। प्याला कौन सा? कुछ मदिरा पान भी करते हैं होली में, तो उसके लिए मैंने एक लाइन ये डाल। सही है, चलेगा चलेगा। प्याला देकर हाथों में, होठों की महक चुराए, अरमानों की बेला में मलय महावर रंग भरे, मतलब सुगंधित रंगों से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को भरना चाहते हैं, खुशियां देना चाहते हैं, सारे बैर भावनाओं को मिटाकर पॉजिटिव वाइब्स। हाँ, पॉजिटिव हर चीज को वो खुद को पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं। वाह, ये होली के मौके पर, इसलिए मैंने ये सब चीजें लिखी है। इसके बाद है हर्ष उदार अधरों पर, मतलब अधर मतलब एक होठों पे मुस्कान। हाँ। हर्ष खुशी, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं रहेगा तो फिर सामने वाला समझेगा कि आखिर क्या कारण है, कुछ तो वजह होगी, वजह तलाशने लगते हैं, वजह चाहिए हर चीज। ललाट लकीरों से चमके, जो ललाट है वो लकीर बन जाता है, मतलब जब आप खुश होते हैं तो वहीं से प्रतीत होने लगता है कि आप कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। उसके बाद है स्पंदित तन मन, मतलब तन मन तरंगित है, मतलब चाह रहा है कि कसमकस है, जो मैं अभी से ही होली शुरू कर दूं, लोगों से मिलना जुलना सब कुछ शुरू कर दूं। होली तो हो गया है, तो स्पंद, और उसके बाद प्रियवर आलिंगन को, एक लाइन मैंने ये भी डाली है, स्पंदित तन मन प्रियवर आलिंगन को, मतलब जो मेरे सबसे प्यारे हैं सब से सबको मैं गले लगाना चाहता हूं, लोग गले लगाना चाहते हैं, गले लगना चाहिए। मधुकर मैं तेरे उपवन के, मधुकर कह सकते हैं उपवन मतलब बगीचा, मधुकर हे ईश्वर मैं आपके बगीचा का एक फूल हूँ, हृदय खोल छुप जाऊं सुमन में, मैं अपने हृदय के सारी चीजों को भुलाकर, मतलब दूर कष्ट को सबको भूल के मैं चाह रहा हूँ कि आपके मतलब शरण में, मतलब फूल सुमन मतलब फूल, लेकिन हम यहाँ पे उपमा आपके चरण में ये हो जाओ, समर्पित हो जाओ। भाग लगे हैं हृदय में, परिमल है ललचाए, परिमल है ललचाए। आपकी कविताओं में काफी कुछ बहुत डेप्थ है, इसको सुनने के लिए एक कवि होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू आशुतोष जी, जो हमारे आप इस प्रोग्राम में सारे लोगों
भैया होली हम सब मिलकर मनाएंगे और मनाना चाहिए, शांति सद्भाव के साथ रहें और ये एक संदेश जाना चाहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी होली।